खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां बांदा में राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के निर्देश अनुसार युवा उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत रेड रिबन मैराथन कार्यक्रम बांदा कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय के ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम में 6 बजे किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में HIV AIDS के प्रति जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करना है एवं लोगों को टोल फ्री सेवा 1097 के बारे में जानकारी देना है। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कृषि डॉक्टर GS पवार एवं डॉक्टर अजय कुमार जिला क्षय रोग एड्स नियंत्रण अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर दिशा क्लस्टर बांदा के जिला कार्यक्रम प्रबंधक ब्रजेश कुमार ने HIV के फैलाव एवं बचाव के तरीके विस्तार से बताए। क्या नाम है आपका और किस प्रकार के ये कार्यक्रम का? मैं डॉक्टर अजय कुमार जिला क्षय रोग अधिकारी बांदा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में जो है एड्स के संबंधित जागरूकता फैलाने और इसके संबंधित जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से आज कार्यक्रम कराया गया है। आज सवेरे 6:30 बजे बांदा कृषि विश्वविद्यालय में रेड रिबन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कि बालक बालिकाएं और ट्रांसजेंडर्स ने प्रतिभाग किया। और उसके उपरांत अभी हम लोगों ने राजा देवी इंटर कॉलेज में कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए एक क्विज प्रतियोगिता की रखी थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे समाज में एड्स को लेकर जानकारी की कमी है, भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर किया जाए। अच्छा, बच्चों को किस प्रकार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? सवेरे भी मैराथन में भी प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार दिए गए, उसमें कैश प्राइज भी था। और अभी भी प्रथम द्वितीय और तृतीय बच्चों को कैश प्राइज दिया गया, उसके अलावा जो है सांत्वना पुरस्कार प्रमाण पत्र भी बांटेगा, प्रमाण पत्र भी दोनों जगह बांटेगा। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।